तारा तो देखो सोने भी लग गई। तू कहाँ सो रही है? हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हो? सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए दोस्तों। और अभी शाम का समय है, करीब 3 बज चुके हैं। तो अभी अभी मैं नहाई हूँ, नहा धो के कपड़े सुखाए हैं, इधर बहुत सारे धोए क्योंकि सारे ही गंदे कर दिए थे। कुछ वीडियो भी बनाई थी उन्हें, तो पापा कपड़े भी गंदे हो रहे थे तो सब धोए थे। और इस टाइम पर जीजी नहीं है हमारी घर पर, तो मैं भैंसों को निकाल रही हूँ। फिर अभी इनको चारा मिलाऊँगी, गोबर पगाऊँगी। यहाँ पे भाई हमारे दो भैंसे हैं, ये एक भैंस को मैंने एक भैंस को निकाल दी, एक बची है यहाँ। तो दूसरे भी निकाल देते हैं। फिर कौन पिएगी? पानी पिएगी? पीले पीले पानी पीले ना पिए तो चल चल उठा। तो भाई सुबह निहार किया था, वो निहार ही सूखा सूखा हो गया। आज तो धूप ही बहुत तेज पड़ी है और बीच में बारिश भी होने लग जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। निहार मिला तो भाई ऐसे धूप जा रही है। चल तो ये देखो नींबू तोड़ रहा है, मोटा मोटा तोड़ा ना, तोड़ी नहीं तो जैसे तोड़ रहा हूँ। ये डिब्बा भर रहा है। हाँ दोस्तों, वहाँ नींबू ले जाएंगे कोटा तोड़ के, तो सोच रहे हैं इधर इधर से तोड़ लेते हैं भैंस से और खराब कर देंगे। इधर पापा यहाँ ही मोटा यहाँ आओ, किसी को नींबू चाहिए ना तो ले जाना। आज यह टाइम तो हमारे बहुत नींबू आ रहे हैं भाई। एक पेड़ है जिसमें आ रहा है, एक पेड़ है भाई, इसमें खूब आ रहे हैं, मचकर आ रहा है। तो भाई बाहर का काम भी हो गया पैसों का, और अब मैं बनाऊंगी करंजार मिर्ची की सब्जी। तो मिर्ची और करंजार ले आई हूँ भाई, और अभी तो हम लोग जाएंगे भी, तो मैं खाना इसलिए जल्दी बना। तो भाई अब बना लेती हूँ मैं करंजार मिर्ची की सब्जी, और करीब मेरा टाइम हो गया है। तो इधर मैंने काट लिया सब्जी, तो तड़का दे देती हूँ, और फिर बाहर से भी तो आटा लेके आऊँगी। और मिर्ची भी भाई ज़्यादा कड़ी नहीं है, चिपली नहीं है, मतलब तो लाल मिर्ची पीस के लाऊंगी। आपको दे दिया तो मैं ले आती हूँ बाहर से लाल मिर्ची और मसाला। बाहर आ रही है देखो बारिश, अड़की अड़की बारिश आ रही है भाई। इधर की तरफ वैसे बैठी है, मैंने छान रखा है भाई आटा, और इधर पीस रखी है लाल मिर्ची, तो मैं ले लेती हूँ। भाई चलते हैं अंदर, दोपहर से बना रही हूँ सब्जी, तो मेरी बन रही है और मैं तो एकदम पसीने पसीने हो गई। वो बहुत तेज भूख लग रही है, मैं यही खाना खा जाऊंगा। एक ही रोटी खाई है तो मैंने वही शाम की, क्योंकि सुबह कल मैंने पर तो भूख अब लगी है, भूख ही ना लगी जब से हम बना लिया रोटी। मैं दो रोटी खा ली पिछली बार आया जब ट्रेन में खाई थी मिर्ची। हाँ टाइम तो मरवा भी ना सर। और रोकी चलते हैं, तू भी चलेगा कोटा? बस तो देखो मैं तो रोटी बनानी है, मैं जब से व्यस्त हो रही 2 घंटा मेरा खराब कर रहा है। रोटी भी खा ली और अब इसका जीव दुख रहा है, क्योंकि जी जी है ना चूरमा और दाल बाटी ले आई। देखो भाई पांडु पोड बरत रही, मतलब बालाजी बाबा को प्रसाद है और जी जी ले रही है, और ये देख कितना चाव सुखा रहा है। लेते हैं दोस्तों क्योंकि खेलों अब रखो कई करो रोटी फिर जी जी पापा खा लेंगे। बाटी ना चूरमा, दाल बाटी चूरमा खा रहा है। मैंने तो रोटी सब्जी बना ली जब से, तो खाई ना है और अब खा रहे है। जी जी आगे चप्पल धर दीजिए, पांडु पोड़ माई अपनी जी जी है तो सही करे। तो जी जी भाई मामा जी इनके यहाँ पे गई थी, सैंडल फेर चल जी अब।
तो दोस्तों बैग जमा लिया है हमने और चार्जर वार्जर सब रख लिया है, खाना भी रख लिया है, वैसे थोड़ा बहुत तो वैसे खा ही लिया है हमने, फिर भी रख दिया एक दो रोटी क्योंकि खेलों को भूख लगेगी इसलिए हमने रख लिया। चलो चलो तैयार हो जाए पर्स दे। अब क्या कर रही है माँ? चल ल चलो चलो आज कई बार है, आज ट्यूसडे हमारा बच्चा ने मेरा काम कर लिया है। मैं भी सुन आज भी यहीं लगा दे तू 10 घंटा। आ जाओ यसु आ जाओ चल नहीं तेरा चल आज मुंडे तो पूछ ले केवा लोडी और का ही है नितर रहंदा ते सुना उठा बेटा बैग ले चल ने लेट में लेट कर रहे हैं। नहीं ये तो जाएगा तेरे लाल चल रही बंद चल ये तो जाएगा तेरे लाल लो भी आओ भाई अब चल दिया है जी जी रह गई अब और पहली बार नहीं तरक पा भैया डोड़ी फोर ले जा रहा है। नहीं ये गल अबेर तो मेरे को गिरार जावी और मेरे को ना पानी पीवा भी टाइम ना मिलो बहुत जल्दी जल्दी में ना पी रहा हो ये सब तो कह रहा है मैं तो पानी भी ना पी रहा हो। तो भैया आज जाके जा रहे हैं देखो मेरे को तो नहीं तेरे पापा गिरा मत दीजिए वो बहुत ज्यादा डर लगा था मर गाड़ी पे ठीक है कर ला रहा भाई हम आ गए हाईवे पे यहाँ से जाएंगे टेम्पो में। तो अभी हम यहाँ बैठ गए टेम्पो में और अभी हम जाने वाले हैं स्टेशन। तो चलते हैं दोस्तों और खेलूं ही खेरे मेरे को ज्यादा वजन लग रहा है इसलिए मैंने बैग को सिर पे रख लिया। चलो कोई बात नहीं है वैसे ना आगे चलेंगे आगे बेटा या कोई इतना भारी वजन लग रही है। तो गाड़ी भी आ गई है और इसी में हम बैठने वाले हैं। चलो भीड़ भी बहुत है यार कैसे बैठेगी। और यसु हमारा रोने में लग रहा है इधर। यसु क्यों रो रहा है इतनी भीड़ थोड़ी रहेगी जो सारा और खेलू बैठी हुई है खेलू को तो नींद भी आने लग गई। चल नींद आ रही है क्या तारा को आ रही है। और यसु इधर कर रहा है मस्ती अभी जयपुर जंक्शन पे बैठे हैं और गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं और हमारी नितारा तो देखो सोने भी लग गई। नितारा ही नितारा को मैं भी तू कहाँ सो रही है और यसु भी अभी गाड़ी भी आने वाली है रात में पहुंचेंगे 1 बजे स्टेशन पर। तो दोस्तों गाड़ी भी आ गई इसी डब्बे में बैठने वाले हैं और यसु भी बैठने वाला है। चलो बैठते हैं इसी वाले कोच में चलो ठीक
खेल और सो गई है, कैसी दिख रही है देख अंधेरे में काली काली, तो सो रहे हैं ये। दोस्तों अब जाके आके पहुंचे, रात के बज गए हैं, डेढ़ बज गए हैं, डेढ़ से तो ज्यादा बज गए हैं, और दो बज गए हैं। नीली तारा सो गई, यशु भी सोने वाला है और परेशान हो गए हैं सफर में बिल्कुल। और ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई राम राम, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ। हम तो नींद आ रहे हैं।